वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 मई और 20 मई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकती हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के तुमकुर जिले के बुक्कापट्टन में चिंकारा अभयारण्य की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन ए सही होगा। तो कर्नाटक के तुमकुर जिले के बुक्कापट्टन में स्थित लगभग 148.45, ठीक है, 148.45 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। चिंकारा एक प्रकार का पशु है और बागलकोट में स्थित ये दिल्ली के बाद राज्य में दुर्लभ हिरण के संरक्षण हेतु चिंका अभयारण्य दूसरा संरक्षण अभयारण्य क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के बुक्कापट्टन में चिंकारा अभयारण्य की घोषणा की गई है जो कि एक तरह से हिरण की प्रजाति होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस भारतीय लघु फिल्म ने नेस्प्रेसो टैलेंट पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सीड मदर, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय फिल्म निर्माता अच्युतानंद द्विवेदी की फिल्म सीड मदर ने कांस में नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड 2019 की अंतर्राष्ट्रीय खंड में तीसरा पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार फिल्म निर्माण की नई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने हेतु कांस क्रिटिक्स वीक के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और वर्ष 2019 के पुरस्कारों का विषय जो है वो है वी आर वॉट वी वी इट, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में सीड मदर जो मूवी है उसने भारतीय लघु फिल्म उद्योग के रूप में नेस्प्रेसो टैलेंट पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस इंश्योरेंस कंपनी ने वेक्टर जनित रोगों के लिए बीमा की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो, ऑप्शन सी सही होगा। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मच्छर रोग संरक्षण नीति शुरू करने की घोषणा की है और ये नई नीति डेंगू बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, जाफरी इंसेफलाइटिस, काला आजार, फाइलेरिया और जीका वायरस जैसी सामान्य मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को कवर प्रदान करेगी। और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता कंपनी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे HDFC एर्गो इंश्योरेंस कंपनी ने वेक्टर जनित रोगों के लिए बीमा कवर की शुरुआत की है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्लॉड मोनेट द्वारा सन 1890 में बनाई गई पेंटिंग म्यूलस कितने मिलियन डॉलर में बिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा 110.7 मिलियन डॉलर, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो क्लॉड मोनेट द्वारा सन 1890 में बनाई गई पेंटिंग म्यूल्स 14 मई 2019 को 110.7 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिकी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मोनेट की प्रशंसित हैशटैग्स श्रृंखला की म्यूल्स को सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है और नीलामी में 100 मिलियन की सीमा को पार करने वाली ये पहली कलाकृति भी बन गई है। मोनेट की हैशटैग श्रृंखला 1890 के दशक की शुरुआत में बनाई गई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे म्यूल्स जो कि पेंटिंग है, जो कि क्लॉड मोनेट द्वारा 1890 में बनाई गई पेंटिंग है, वो इस वर्ष 110.7 मिलियन डॉलर में बिकी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, जेफरी रोसेन को किस देश का अगला डिप्टी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन ए सही होगा। तो जेफरी रोसेन को अमेरिकी सीनेट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले उप अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की गई है। उन्होंने इससे पहले परिवहन विभाग में उप सचिव के रूप में भी कार्य किया है
और वो रॉड रोनेस्टीन की जगह लेंगी जो वर्ष 2016 की राष्ट्रपति चुनावों में रूसी मेल जोल की रॉबर्ट मुलर की जांच की निगरानी करेंगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोसेन को फरवरी 2019 में इस कार के लिए नामित किया था। ठीक है, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में हाल ही में समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय नौसेना की दो युद्धपोतों INS कोलकाता और INS शक्ति ने सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया इमडेक्स एशिया 2019 में भाग लिया। और इमडेक्स एशिया 2019 14 मई 2019 को शुरू हुआ था और इमडेक्स के बाद भारतीय नौसेना की पोत 16 से 22 मई 2019 तक आयोजित होने वाले सिंगापुर में भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 26वें संस्करण में भी भाग लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में सिंगापुर में समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस टूर्नामेंट में पहली बार महिला रेफरी टीम को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कॉन्टिनेंटल क्लब कप, ऑप्शन ई सी सही होगा। तो एशियाई फुटबॉल संघ AFC ने घोषणा की है कि पहली बार कोई महिला रेफरी टीम पुरुषों के कॉन्टिनेंटल क्लब कप क्लैश की जिम्मेदारी संभालेगी और जापानी रेफरी युसुमी यामाशिता और सहायक मकोटो बुजोनो और नाओमी शिटिको म्यांमार के यंगून यूनाइटेड और कंबोडिया के नागा वर्ल्ड के बीच AFC कप मैच की मेजबानी करेंगी। ठीक है, और वहाँ पर रेफरी का भी काम करेंगी। तो आप ध्यान रखेंगे, कॉन्टिनेंटल क्लब कप में पहली बार महिला रेफरी टीम को शामिल किया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम की टॉप 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की सूची में किस भारतीय यूट्यूबर को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अजय नागर, ऑप्शन बी सही होगा। तो इंडियन यूट्यूबर अजय नागर को टाइम पत्रिका ने अपनी शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स दुनिया भर के 10 युवाओं की सूची है जो राजनीति, संगीत और अन्य क्षेत्रों में नए रास्ते स्थापित कर रहे हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम कैरी मनाती है। ठीक है, तो उनको टाइम की शीर्ष 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की सूची में शामिल किया गया उनको, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दिग्गज तेलुगु अभिनेता रलापपल्ली वेंकट नरसिम्हा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 74 वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा। तो दिग्गज तेलुगु अभिनेता रपापपल्ली वेंकट नरसिम्हा राव का हैदराबाद में हृदयाघात के बाद निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया था। रलापपल्ली ने 800 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और वे एक हास्य कलाकार और चरित्र कलाकार के रूप में लोकप्रिय थे। वे अविभाजित आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठित नंदी पुरस्कार के 5 बार विजेता भी रही थी। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश की राष्ट्रपति ने मेरिट आधारित आप्रवासन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेरिट आधारित आप्रवासन प्रणाली की शुरुआत की है जिसमें विदेशियों सहित सैकड़ों और हजारों भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों को ग्रीन कार्ड या स्थायी वैध निवास का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने इसकी घोषणा रोज गार्डन में अपने भाषण के दौरान की है और प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत स्थायी वैध निवास का लाभ उन्हें उनकी उम्र, ज्ञान, नौकरी के अवसरों और नागरिक संवेदन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावों में उल्लेखनीय रूप से कुशल श्रमिकों के लिए कोटा लगभग मौजूदा 12% से 57% बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की राजधानी है वो है Washington DC और Washington DC को पहले कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये रही आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि अभी आपने स्टडी किए। और अगर हम बात करें कल की क्विज के आंसर की, तो कल की क्विज का जो आंसर है वो 8 मई यानी कि आपसे पूछा गया था हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वह हाल ही में किस देश में फेक न्यूज कानून पारित किया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ
सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक पिछले मंथ यानी कि अप्रैल 2019 की टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इंड स्क्रीन में उनकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।